सर, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। मैं झारखंड का रहने वाला हूं और मैं यहां आया हूं कि जो आज इंसानियत की जो खून बहाई जा रही है रोहिंग्या के अंदर, तो ये बहुत बुरा काम है। और किसी हमारा मानना ये है, और है भी हमारे धर्म में है, हमारे मजहब में है, कि एक मुसलमान को ना हक कत्ल करना पूरे इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। अब पूरी इंसानियत को रोहिंग्या के अंदर जो है, वो रोहिंग्या की जो हुकूमत कत्ल कर रही है बच्चों को, उसे शर्म नहीं आती, बेशर्म है वो। और क्या बताऊँ उसके बेशर्मी के बारे में, हमारे पास अल्फाज नहीं है। और जो वहाँ के जो मजलूम लोग हैं उसको इस तरह से कत्ल कर रही है वहाँ की हुकूमत, पूरी दुनिया देख रही है, उसको तो शर्म भी नहीं है। और कल मर करके कयामत के दिन अल्लाह के पास क्या मुंह दिखाएगी वो हुकूमत, उसे शर्म नहीं आती, वो इतनी जालिम और जाबिर है। और अगर जब अपनी जालिम और जाबिरता से वो बाज नहीं आती है, तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जब जिस तरह से मुसलमानों का खात्मा वहाँ से किया जा रहा है, उस तरह से अल्लाह अपने कहर से रोहिंग्या को बर्बाद कर दे। और जो हमारे रोहिंग्या से बच करके जो मुसलमान यहाँ मुल्क में, जिस मुल्क में, हिंदुस्तान मुल्क में शरण लेने के लिए आए हैं, यहाँ चैन और सुकून पाने के लिए जो अपने मतलब आए हुए हैं, तो यहाँ से, यहाँ की जो हुकूमत है, जो नरेंद्र मोदी साहब, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वहाँ के लोगों को फिर से वापस ना भेजें। वापस भेजने का मतलब ये होता है कि तुम लोग रोहिंग्या से बच करके आ गए, तुम लोग वापस चले जाओ, तुम कत्ल हो जाओ वहाँ। ये अगर हमारा सरकार रोहिंग्या के भागे हुए मुसलमानों को वापस भेज देता है, तो यहाँ की सरकार को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मुसलमान यहाँ जो आए हुए थे, जब तक वहाँ कत्ल ना हो जाए तब तक इनको चैन नहीं होना। ये बात की दलील है, ये सबूत है। इसलिए हमारी सरकार अमन और चैन जिस तरह से चाहती है, उस तरह से वहाँ से जो लोग आए हुए हैं वो उनको यहाँ पर अमन और चैन से रहने दें। वो अपनी मेहनत और मजदूरी करेंगे और इंसान का जो ज़िंदगी है वो अपने जिएंगे, फिर मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो इसी तरह से वो यहाँ से भगाने की कोशिश ना करेंगे। अगर भगाने की कोशिश करेंगे तो हर मुल्क के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे भगाते हैं? आखिर हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं।